हर वक्त मैं वीडियो देखता हूँ, बट आज वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। जहाँ खुदा है वहीं भगवान है। बिल्कुल सही कहा इस भाई ने, जहाँ खुदा है वहीं भगवान है। जहाँ खुदा है वहीं भगवान है, और पूरी दुनिया ही बल्कि इस्लाम के पीछे है और इस्लाम सबसे आगे है। तो बस कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो अपने भगवान के साथ नहीं हैं, भगवान तो फिर भी खुदा के साथ है। तो देखिए ये अंधभक्त कैसे हैं, क्या है, इन्हें आप समझो, मेरे तो समझ में आते नहीं। अरे ये बाबर औरंगजेब आंटू पांडू आके यहाँ मस्जिद मीनार बना के गए, तोड़ने के लिए हम तो बैठे हैं। अच्छा, अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। जाओ अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू हैं। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि हमारे जैसे देश भक्तों को इन जैसे अंधभक्तों की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारा देश एक ना होता, हम हिंदू मुसलमान एक ना होते, तो आज हम आज़ादी की ज़िंदगी नहीं जी रहे होते, शायद हम अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे होते। जैसे कि आज हम यूट्यूब, फेसबुक और रिचार्ज तक महंगा हो गया है, जबकि हम इन जैसे अंधभक्तों की वीडियो आज भी देखते हैं, अपना दिमाग और पैसा ख़राब कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इनकी बातें सही है? क्या आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान अलग है? अगर हम एक ना होते तो हमारा भारत आज़ाद ना होता दोस्तों। इन जैसे देशद्रोही और इन जैसे भड़काऊ भाषण वालों को ब्लॉक करो, इन जैसे लोगों की वीडियो देखना बंद करो, इनको फॉलो करना बंद करो, ये खुद सुधर जाएंगे और हमारा देश खुद बदल जाएगा। हमें किसी को सीखने बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारे पास इतना टाइम पैसा नहीं है कि हम ऐसी ऐसी बातों पर डिबेट करें और ऐसी ऐसी बातों पर जिद्दोजहद करें। आपका धर्म अच्छा है, आप फॉलो करें। हमारा धर्म अच्छा है, हम फॉलो करेंगे। धर्म किसका है? जो इस दुनिया में नहीं है तो उसके पीछे लड़ना कैसा? उसको फैसला करना है सिर्फ और सिर्फ कर्म का। वो आपके अच्छे कर्म है, आपका फैसला होगा, आप जाएंगे जन्नत में स्वर्ग में। आपका कर्म अच्छा नहीं है, आपको कोई नहीं बचा सकता। 100 बात की सीधी बात एक ये है, जब तक आपका कर्म अच्छा नहीं होगा, आपका धर्म चाहे जितना अच्छा हो, आपको बचा नहीं सकता। जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।